थर्ड दैट इज यूनिफॉर्म एंड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हम चैप्टर कर रहे थे. अब हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? हमने लास्ट टाइम मिक्सचर पढ़ा था, थ्री टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. अब आते हैं हम हार्वेस्टिंग क्या होती है. हार्वेस्टिंग में क्या होती है, जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है, जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है उसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा हार्वेस्टिंग. कटिंग द क्रॉप आफ्टर मैच्योर, मैच्योरिटी के बाद क्रॉप को कट करना क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग जो होती है हैंड से भी की जाती है और मशीन से भी की जाती है. जिन मशीन्स का यूज़ होता है हार्वेस्टिंग करते टाइम पर उनको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर्स. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा थ्रेशिंग. थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है, जो हमने क्रॉप को कट किया है उस कट क्रॉप में से ग्रेन को सेपरेट करना क्या कहलाता है, थ्रेशिंग. ग्रेन्स आर सेपरेटेड बाय द क्रॉप्स. थ्रेशिंग में क्या होता है, क्रॉप में से क्या करते हैं, हम ग्रेन्स को सेपरेट आउट करते हैं. ये जिस मशीन वगैरह की हेल्प से होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशर्स. क्या बोलते हैं, थ्रेशर्स. नेक्स्ट आता है हमारा विनोविंग. विनोविंग में अब क्या होता है, जो हमने हमारा ग्रेन सेपरेट आया है, जो हमारा थ्रेशिंग से जो हमारे पास ग्रेन आया है उस ग्रेन के अंदर कुछ एक हस्क मटेरियल या फिर चाफ प्रेजेंट होता है. ठीक है, उस चाफ को सेपरेट करना विंड की हेल्प से क्या कहलाता है, विनोविंग. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग चाफ फ्रॉम ग्रेन, ग्रेन में से चाफ को और हस्क को सेपरेट करना किसकी हेल्प से, विंड की हेल्प से क्या कहलाता है, विनोविंग. इसमें क्या होती है, एयर चल हवा चला देते हैं और ऊपर से ग्रेन को क्या करते हैं, नीचे डालते हैं, जिससे जो लाइटर जो चाफ होता है, लाइट वेट होता है, वो तो क्या होता है हवा से दूर जाके गिर जाता है और जो हैवी वेट के ग्रेन होंगे वो नीचे सेटल आउट हो जाते हैं. तो ये हमारा होता है विनोविंग में. नेक्स्ट आता है हमारा हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग में क्या होता है, जो हमारे ग्रेन विनोविंग के बाद हमारे पास ग्रेन आए थे उसमें क्या था, विनोविंग में जो लाइटर चाफ प्रेजेंट था, लाइटर डस्ट मटीरियल या जो हस्क प्रेजेंट था वो सेपरेट आउट हो गया. अब ग्रेन के अंदर कुछ स्टोन्स या पेपल्स भी प्रेजेंट होंगे, कुछ दूसरी इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होंगी, उनको हाथ से सेपरेट करना, उनको ग्रेन में से हाथ से सेपरेट करना क्या कहलाता है, हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग से करते हैं. ठीक है, ग्रेन के अंदर स्टोन्स पेपल्स वगैरह या कुछ और अदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, उनको हाथ से सेपरेट करना आता है हैंड पिकिंग में. नेक्स्ट आता है हमारा साइविंग. साइविंग जो होता है वो यूज़ की जाती है जब हमारा जो मिक्सचर जो होता है वो ड्राई हो या फिर पर्टिकुलर अलग अलग साइज का. साइविंग मेथड हम जब यूज़ करते हैं जब जो हमारा मिक्सचर है वो क्या है, ड्राई है और अलग अलग साइज का है. दिस इज यूज फॉर द कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्सचर आर विच आर ड्राई एंड आर डिफरेंट इन साइज, जो साइज में डिफरेंट हो. ये मेथड किसके लिए यूज़ किया जाता है, लार्ज साइज के ग्रेन को स्मॉल साइज के ग्रेन से सेपरेट आउट करने के लिए. सेकेंड है सेपरेट ब्रान फ्रॉम फ्लोर. आटा जो होता है उसमें से ब्रान जो हस्क प्रेजेंट होता है ऊपर उसको क्या, उसको सेपरेट करने के लिए. सेपरेट फाइन सैंड फ्रॉम कोर्स सैंड, पतली मिट्टी मोटी मिट्टी में से पतली मिट्टी को सेपरेट करने में हेल्प करता है. प्रीशियस स्टोन ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज के जो प्रीशियस स्टोन प्रेजेंट होते हैं उसको हम किसकी हेल्प से सेपरेट करते हैं, साइविंग की हेल्प से. आटा छानना किस में आता है, साइविंग में. उसमें जो लाइटर वेट का होता है वो तो क्या हो जाता है, जो हमारी साइविंग साइड ट्यूब होती है उसमें से सेपरेट आउट हो जाता है और जो हैवी वेट का जो मोटे साइज के रह जाते हैं उस ट्यूब के ऊपर रह जाते हैं. तो ये आता है हमारा साइविंग में. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर. मिक्सचर्स में से जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उनको सेपरेट करना. फ्लोटिंग एंड सिंकिंग मेथड, फर्स्ट मेथड आता है हमारा फ्लोटिंग एंड सिंकिंग मेथड. इसमें ये जो मेथड होता है ये यूज़ करते हैं हम मिक्सचर में से दो कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए. ठीक है, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग मेथड में हम क्या करते हैं, मिक्सचर में से दो कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए ये मेथड क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है. इसमें क्या करते हैं, जो लाइट वेट का होता है वो तो क्या होता है, वाटर के अपर सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है. जो हैवी वेट के होंगे वो बॉटम में क्या हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने लिया
जैसे हम घर पे राइस वगैरह चावल वगैरह बनाने से पहले उनको क्या करते हैं, वॉश करते हैं दाल वगैरह को, जिसमें क्या होता है इम्प्यूरिटीज़ जो होती है पानी के अंदर भी होते हैं, जिससे पानी के ऊपर दाल वगैरह के लाइट छिलके वगैरह तो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, और जो हैवी ग्रेन होता है वो क्या करता है हमारा बेस में सेटल, वाटर की जो बेस होती है वहाँ पे बैठ जाता है। तो वही मेथड होता है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग मेथड, राइस पल्सेस में से जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए। अब देख इसके अंदर आता है डिसेंटेशन। डिसेंटेशन का मतलब होता है फ्लोटिंग इम्प्यूरिटीज़ अलोंग विद मडी वाटर आर पोर्ड आउट। अब जैसे जो हमने दाल वगैरह भिगो के रखी थी उसमें जो लाइटर सब्सटेंस था वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा था, साथ में उसके मडी मिट्टी भी प्रेजेंट थी, थोड़ा ब्राउनिश कलर का हो जाता है वो सब्सटेंस, तो मिट्टी भी प्रेजेंट होती है, उसको पोर्ड आउट करना, उसको सेपरेट आउट करना क्या कहलाता है डिसेंटेशन। ये होता है हमारा फ्लोटिंग। और सिंकिंग मेथड में जो लाइट वेट का होता है तो वाटर के सरफेस में जैसे ये कर लिया कि हमने वाटर फिल कर रखा है, इसमें जो ग्रेन होंगे हैवी वेट के वो तो क्या हो जाएंगे नीचे सेटल हो जाएंगे, और लाइट वेट के वाटर के सरफेस के ऊपर क्या करेंगे फ्लोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड और इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? मिसिबल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जो एक दूसरे के अंदर प्रॉपर तरीके से क्या हो जाते हैं मिक्स हो जाते हैं। मिसिबल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जो एक दूसरे के अंदर प्रॉपर तरीके से क्या हो जाते हैं मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरीन एंड वाटर, ये क्या करते हैं ग्लिसरीन और वाटर को अगर हम मिक्स करते हैं तो एक दूसरे के अंदर प्रॉपर तरीके से क्या हो जाते हैं मिक्स आउट हो जाते हैं। इमिसिबल लिक्विड वो होता है, वो लिक्विड होते हैं जो एक दूसरे के साथ प्रॉपर मिक्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल हम ऑयल एंड वाटर, वाटर और ऑयल को अगर मिक्स करते हैं तो वो कभी भी मिक्स नहीं होता। जो ऑयल होता है वो वाटर सरफेस के ऊपर क्या करता है फ्लोट करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इट इज अ प्रोसेस इन विच फाइनर सब्सटेंस, मतलब सॉल्वेंट से भी, जैसे सॉल्वेंट में हम फाइन सब्सटेंस को सेपरेट आउट कर रहे थे ना, इसमें भी क्या होता है जो इनसोल्युबल इम्प्यूरिटीज होती हैं उसको हम क्या करते हैं सेपरेट आउट करते हैं लिक्विड में से। ठीक है, फिल्ट्रेशन में क्या होता है जो इनसोल्युबल लिक्विड इनसोल्युबल इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है लिक्विड के अंदर उसको हम क्या करते हैं सेपरेट आउट करते हैं। ये सॉल्विंग, इसमें क्या होता है सॉल्विंग से भी फाइनेस्ट पार्टिकल हमें मिलते हैं। ठीक है, इसमें हम कॉटन वगैरह का, कॉटन क्लोथ का या पर्टिकुलर फिल्टर का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है हमें फाइनेस्ट सब्सटेंस या फाइनेस्ट हमारा फाइनेस्ट हमारा मिक्सचर हमें ऑब्टेन होता है। लाइक जैसे मिल्कमैन जो होता है दूध वाला होता है, वो दूध के अंदर कुछ हस्क कुछ मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, दूध निकालते टाइम कुछ गिर जाता है, उसको सेम वो फिल्ट्रेशन मेथड से क्या करता है उसमें से वो सेपरेट आउट करता है। उसमें क्या होता है कॉटन का क्लोथ लगा देते हैं, एक जैसे एक ट्यूब होएगी उसमें क्या लगा देंगे बीच में कॉटन का क्लोथ लगा देंगे, कॉटन क्लोथ में से जो लिक्विड होएगा वो तो क्या हो जाएगा सेपरेट आउट हो जाएगा, और जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होंगी वो उस कॉटन क्लोथ के ऊपर या फिल्टर के ऊपर हमारी रह जाएगी। ऐसे ही हम इस मेथड में क्या करते हैं टी को चाय को क्या करते हैं सेपरेट आउट करते हैं। घर पर चाय बनाते हो आप सेम इसी मेथड से करते हो। जो छलनी होती है उसमें क्या होते हैं फाइन वो छोटे छोटे फाइन होल्स होते हैं जिनमें से वो हमारी टी क्या होती है सेपरेट आउट होती है। सेम जूसर मैन वाला जूस मैन जो होता है वो भी सेम इसी वे में क्या करते हैं जूस को सेपरेट आउट करते हैं। नेक्स्ट आता है लेबोरेटरी प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। लेबोरेटरी प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं लेबोरेटरी मेथड में हम फिल्टर कैसे करते हैं किसी चीज़ को, इसमें हम क्या इसमें बेसिकली क्या यूज होता है फिल्टर पेपर यूज होता है, और इसमें बेसिकली क्या होगा टू सब्सटेंस हमारे निकल के आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया है कॉमन सॉल्ट को सेपरेट करना है मिक्सचर में से, हम उसके लिए क्या लेंगे कॉमन क्रिस्टल सॉल्ट के क्रिस्टल्स लेंगे, वाटर लेंगे, फिल्टर पेपर लेंगे, बीकर लेंगे। ठीक है, फनल के अंदर क्या कर लेंगे फिल्टर जो हमारा फिल्टर पेपर है उसको फोल्ड करके डालेंगे, देन उसके ऊपर जो हमारे सॉल्ट के क्रिस्टल है वो डालेंगे, देन वाटर को हम क्या करेंगे फिल्टर पेपर में से पोर करेंगे, जिससे क्या आएगा वो जो सॉल्ट रहेगा वाटर के अलोंग वो क्या हो जाएगा
बीकर के अंदर सेटल आउट हो जाएगा और जो इम्प्यूरिटीज होंगी वो क्या हो जाएगी हमारी फिल्टर पेपर में सेटल आउट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा ईवेपोरेशन। ईवेपोरेशन का मतलब होता है लिक्विड का चेंज होना किसके अंदर, वेपर के अंदर, क्या कहलाता है हमारा ईवेपोरेशन। जैसे सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है, लिक्विड क्या है हमारी गैस के अंदर चेंज हो रही है, सेम लिक्विड का गैस के अंदर चेंज होना क्या कहलाता है ईवेपोरेशन। सॉलिड हमारा किसके अंदर चेंज हो रहा है लिक्विड, देन लिक्विड गैस के अंदर या फिर वेपर के अंदर। तो लिक्विड का वेपर के अंदर चेंज होना क्या कहलाता है ईवेपोरेशन। नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट और ईवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के सॉल्यूशन में से सॉल्ट के जो क्रिस्टल होते हैं उसको क्या, उसकी फॉर्मेशन होना किस मेथड से, ईवेपोरेशन मेथड से। सॉल्ट के सॉल्यूशन में से सॉल्ट के क्रिस्टल की फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो होता है वो सी जो समुद्री पानी होता है वहाँ से सॉल्ट निकालने के लिए हमें क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या होता है हमारी हेल्प करता है। इसमें क्या होता है सॉल्ट वाटर को वो सेपरेट आउट कर लेते हैं बड़े बड़े टैंक के अंदर, फिर एयर या हॉट टेम्परेचर के अंदर उसको वो क्या करते हैं ईवेपोरेट करते हैं, जिससे जो वाटर प्रेजेंट था सॉल्ट के अंदर वो सारा का सारा क्या हो जाएगा ईवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट के क्रिस्टल हमारे क्या रह जाएंगे उस सब रिमेन रह जाएंगे। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज होता है सॉल्ट के क्रिस्टल को ऑब्टेन करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है वेपर का वापस से लिक्विड के अंदर चेंज होना, वेपर का लिक्विड के अंदर चेंज होना क्या कहलाता है हमारा कंडेंसेशन। और ईवेपोरेशन में क्या था, लिक्विड का वेपर के अंदर चेंज हो रहा था तो वो क्या कहलाया हमारा ईवेपोरेशन। अब वेपर का किसके अंदर चेंज हो रहा है लिक्विड के अंदर तो वो क्या कहलाता है हमारा कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल जो स्टीम है अगर हम उसको कूल करते हैं तो वो किसके अंदर चेंज हो जाती है वाटर के अंदर। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में बेसिकली क्या, आयरन कोबाल्ट और निकल में हमारे मेनली क्या है मैग्नेटिक मटेरियल है, इन्हीं मटेरियल्स का हम यूज़ करते हैं मैग्नेट बनाने में, चुंबक बनाने में। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है इसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं मैग्नेटिक मटीरियल या नॉन मैग्नेटिक मटीरियल को सेपरेट आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक सॉयल मिट्टी जो होती है, मिट्टी के अंदर आयरन मटीरियल भी प्रेजेंट है आयरन भी प्रेजेंट है, तो मिट्टी में से आयरन को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन का। इसमें क्या आएगा जो उसके अंदर मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे मैग्नेट पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो सारा का सारा मैग्नेटिक मटीरियल कहाँ आ जाएगा मैग्नेट पे आ जाएगा, जो रिमेनिंग रह जाएगा वो अनमैग्नेटिक मटीरियल में रह जाएगा मतलब नॉन मैग्नेटिक मटीरियल रह जाएगा। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में हम मैग्नेट का यूज़ करते हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को सेपरेट आउट करने के लिए। नेक्स्ट आता है चर्निंग। चर्निंग जो मेथड होता है इस मेथड का यूज़ करते हैं हम क्रीम को सेपरेट करने के लिए मिल्क या कर्ड में से। ये बेसिकली हमारे घरों में यूज़ होता है, हम मिल्क में से क्रीम निकालने के लिए या दही में से क्रीम निकालने के लिए चर्निंग मेथड का यूज़ करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल ब्लेंडर या फिर नॉर्मल एक लकड़ी का स्टिक होती है उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं क्रीम को सेपरेट आउट कर देते हैं। मिल्क लेते हैं उसमें इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की हेल्प से क्रीम जो होती है वो तो अपर सरफेस के ऊपर क्या करना अपर सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है और जो रिमेनिंग हमारा वाटर या वाटर रह जाता है वो क्या होता है हमारा बटर मिल्क या फिर रो मिल्क रह जाता है। तो चर्निंग मेथड का कमर्शियल स्केल पे भी यूज़ किया जाता है रो मिल्क में से क्रीम को सेपरेट आउट करने के लिए। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है।